Learner, so this one is the lecture 5 in heterocyclic compounds. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पायरो फ्यूरेन एंड थायोपीन, और इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पायरो फ्यूरेन एंड थायोपीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस केसेस में तीन स्टेप देखने को मिलेंगे। स्टेप नंबर वन है, ये है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, और इसको हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बी बोलते हैं। तो हमने कोई ये हाइपोथेटिकल रिजेंट लिया हुआ है इजेक्ट, जब इसमें ये बॉन्ड हिटोलिटिकली ब्रेक करेगा तो क्या होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन है ई और जेड के बीच में, दैट इज कैरिड बाय जेड, तो जेड पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और जो ई था अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक तरह से स्टेप नंबर वन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट हुआ है। अब इसी के साथ जो अगला स्टेप है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा ऑन द रिंग, तो यहाँ पर जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल का वो होगा अटैक ऑन कार्बन नंबर टू, पोजीशन नंबर टू, और इसको अल्फा पोजीशन भी हम बोलते हैं। तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट होगा। नाउ दिस कार्बन एक्वायर्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन नंबर टू। तो ये स्लो स्टेप है, और हमें पता है कि जो स्लो स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमिन स्टेप इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाएगा, सो वी कैन गेट हियर स्ट्रक्चर नंबर वन। अब ये स्ट्रक्चर नंबर वन है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। अब ये पाई बॉन्ड इस तरफ को मूव करेगा, और जो डबल बॉन्ड है इन दो कार्बन के बीच में आ गया, और जो प्लस चार्ज है वो यहां पर आ गया, तो स्ट्रक्चर नंबर टू जो है हमारी वो बन जाएगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है, इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड था जो यहां पर आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है दैट नाउ कम्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, सो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड विल गेट फॉर्म्ड। तो तीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। अब इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है ये हाईली स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहा है नाइट्रोजन पर, और जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर थर्ड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन तीनों स्ट्रक्चर में वो सबसे ज्यादा है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कैसे रिमूव होता है, तो फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था जेड माइनस, ये हेल्प करेगा रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन में। अब जो ये बॉन्ड है ये टूटेगा, यहां से ये एच प्लस निकलेगा और जेड के साथ चला जाएगा, एच जेड इसने कैर कर दिया, और जो दो इलेक्ट्रॉन थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दे विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, तो फाइनली हमें जो हमारा प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो मिलेगा, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज अटैच ऑन द कार्बन नंबर टू। तो ये जो स्टेप थे इसमें हमने देखा कि पायरोल में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन नंबर टू पर अटैच किस तरह से करता है। अब फ्यूरेन के केस में और थायोपीन के केस में भी ऐसा ही होगा, सिमिलर स्टेप्स हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बन नंबर टू पर जनरेट करेगा, जैसे ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक किया, स्लो स्टेप है रेट डिटरमिन स्टेप है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया, स्ट्रक्चर नंबर फोर हमें मिल रही है, ये पाई बॉन्ड इस तरफ को चला गया, प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, स्ट्रक्चर नंबर फाइव जो है जनरेट कर जाएगी। आगे क्या होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर सिक्स विल
गेट फॉर्म्ड। और जो स्ट्रक्चर नंबर 6 है ये भी मोस्ट स्टेबल है, जैसे पायरोल के केस में हमने स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखा था, सिमिलरली थायोपिन के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्ट्रक्चर नंबर 7 विल गेट फॉर्म्ड। तो स्ट्रक्चर नंबर 7 है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 8 विल गेट फॉर्म्ड। अभी लोन पेयर इस तरफ को शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा फ्रेश, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा सल्फर पर। स्ट्रक्चर नंबर 9 विल गेट फॉर्म्ड। अब स्ट्रक्चर नंबर 9 है, ये भी स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरह और स्ट्रक्चर नंबर 6 की तरह मोस्ट स्टेबल है और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है इन ऑल दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इन तीनों ही केसेस में हमें एक जो मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो हमें मिल रही है, जैसे पायरोल के केस में स्ट्रक्चर नंबर 3 है, फ्यूरिन के केस में स्ट्रक्चर नंबर 6 है और थायपिन के केस में स्ट्रक्चर नंबर 9 है। तो ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चरें हैं, ये मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऑक्टेट है सभी एटम का वो कंप्लीट है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो अटैक करेगा कार्बन नंबर 2 पर इन तीनों में। और अगर हम बेंजीन के साथ इनको कंपेयर करें तो बेंजीन के केस में हमें कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है पायरोल से, फ्यूरेन से और थायोपिन से, ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज कंपेरिजन टू द जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक के बाद कार्बोकेटायन हमें मिलेगा फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक है वो पायरोल और फ्यूरेन और थायोपिन पर ज्यादा इजली होगा एज कंपेरिजन टू दैट ऑफ द बेंजीन रिंग। अब अगर इन तीनों की रिएक्टिविटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पायरोल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू फ्यूरेन, और फ्यूरेन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू थायोपिन, टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये तीनों ही ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू द बेंजीन। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। पायरोल के केस में ये है कि जो नाइट्रोजन एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज ये अकोमोडेट करेगा स्ट्रक्चर नंबर 3 में वो ज्यादा इजिली अकोमोडेट करेगा एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चर नंबर 3 का वो ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द स्ट्रक्चर नंबर 6 विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूरेन। सिमिलरली अगर फ्यूरेन और पायरोल के साथ हम थायोपिन को कंपेयर करें, अब थायोपिन के केस में क्या है कि जो सल्फर है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इन दोनों से कम है। अब इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो एस एटम है इसका 3p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहा है कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ, तो जो ये ओवरलैप होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ जो रिंग में है हमारे इलेक्ट्रॉन। तो ये कारण बनता है कि जो थायोपिन है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू पायरोल एंड फ्यूरेन। तो ये तो एक बड़ा सिंपल सा जो था जो हमने कंपेरिजन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑर्बिटल That is contributed by the hetero atom. अब इन चारों को अगर हम according to molecular orbital structure के according compare करें तो number of electron जो है वो ring पर इसमें लगता रखे हैं। जैसे pyrrole के केस में क्या है कि जो 6 electron है वो 5 atom पर है, 5 atom जो इसमें हुए, एक nitrogen है और 4 इसमें कार्बन है,
तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 एटम पर है। फ्यूरेन के केस में भी ऐसा ही है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है 5 एटम पर है, एक ऑक्सीजन है, 4 जो है वो कार्बन है। थाइमिन के केस में भी सिमिलर है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 एटम पर है, एक सल्फर है, 4 जो है कार्बन है। और बेंजीन के केस में क्या है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 कार्बन पर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग पर कम है एज कंपेरिजन टू द रिंग ऑफ द पायरोल फ्यूरेन एंड थायोपीन। तो ये कारण बनता है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एज कंपेरिजन टू द बेंजीन रिंग। सो इट इज ऑल अबाउट द कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पायरोल फ्यूरेन एंड थायोपीन। अब इस केस में जो हम ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे पायरोल फ्यूरेन और थायोपीन के केस में। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था वो कार्बन नंबर 2 पर अटैक कर रहा था और हमें 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी इन तीनों ही केसेस में, पायरोल फ्यूरेन और थायपीन के केस में। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है वो पॉसिबिलिटीज ये भी है कि कार्बन नंबर 3 पर भी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, तो पोजीशन नंबर 2 पर भी अटैक कर सकता है जो हमने देखा, पोजीशन नंबर 3 पर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर हम ये कंपेयर करेंगे कि पोजीशन नंबर 2 ज्यादा प्रेफर करेगा या पोजीशन नंबर 3 ये ज्यादा प्रेफर करेगा। तो अगर पोजीशन नंबर 3 पर अटैक करता है, बीटा पोजीशन पर अटैक करता है, तो ये पाई बॉन्ड जो है वो इस तरफ को शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज जो था इस कार्बन पर आ गया, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और हमें स्ट्रक्चर नंबर जो है 10 देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर नंबर 10 जनरेट हो गई, पॉजिटिव चार्ज जो था कार्बन नंबर 1 पर आ गया। अब जो स्ट्रक्चर नंबर 10 है ये भी जो है स्टेबलाइज्ड है बाय द रेजोनेंस, तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो ये पाई बॉन्ड है इस तरफ को मूव करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ गया, स्ट्रक्चर नंबर 11 जो है वो जनरेट कर जाएगी। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें, हमने क्या देखा था पायरोल के केस में स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक हमें मिल रही थी, फ्यूरेन के केस में स्ट्रक्चर नंबर 4 से लेकर 6 तक हमें देखने को मिल रही थी और थायपिन के केस में स्ट्रक्चर नंबर 7 से लेकर 9 तक हमें देखने को मिल रही थी। तीन तीन स्ट्रक्चरें हमें वहां पर देखने को मिल रही थी, पर अगर अटैक करता है पोजीशन नंबर 3 पर तो 2 ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चर नंबर 10 और स्ट्रक्चर नंबर 11। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो लेस स्टेबलाइज्ड है एज कंपेरिजन टू द व्हेन अटैक विल अकर एट पोजीशन नंबर 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रेफर करेगा पोजीशन नंबर 2 क्योंकि वहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ना कि ऑन द पोजीशन नंबर 3। तो यहां पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कम स्टेबल है, तो प्रेफरली पोजीशन नंबर 2 है वो हमें मोस्टली प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का और इसके अलावा हमने ओरिएंटेशन देखा कि पोजीशन नंबर 2 या 3 प्रेफर कर रहा है तो क्यों प्रेफर कर रहा है। तो ये लेक्चर नंबर 5 है इस सेगमेंट में।